ऑफिसर्स बी अलर्ट एक ब्लैकलिस्ट कार का अलर्ट है। एलिड टोयोटा करोला ब्लैक पीयू टूवर्ड्स ठोकर जा रही है। रोजर मैडम मैं मैसेज पास कर रहा हूँ। डॉल्फिन 12 नोट कीजिएगा, एक ब्लैक कलर की वांटेड टोयोटा करोला आल्टिस मूव कर रही है पीयू से जानेब ठोकर। नंबर है इसका एल। ये वांटेड है क्राइम में, फास्ट लेन में मूव कर रही है, काइंडली आती है तो राउंड अप कीजिएगा प्लीज। डॉल्फिन ऑप्स रूम IC3 अभी जो गाड़ी राउंड अप करवाई है डॉल्फिन 12 से, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लीजिएगा, डिटेल्स चेक करवा लीजिएगा कि स्टिल रिक्वायर्ड है या नहीं। डॉल्फिन 12 फ्रॉम ऑप्स रूम IC3। जी आपने अभी व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर के थ्रू एक गाड़ी राउंड अप की है, गाड़ी ने क्राइम कमिट किया और स्टिल वांटेड है, इसके काइंडली आप डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स चेक कर लें और गाड़ी को PS मूव करवा दें। जी थैंक यू। नाजरन अभी जो आपने ये देखा ये पंजाब पुलिस का एक अदारा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर है। ऐसी तमाम गाड़ियां या मोटरसाइकिल जो चोरी हो चुकी हैं किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से ब्लैकलिस्ट है, वो गाड़ी पंजाब में रजिस्टर्ड हो या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में रजिस्टर्ड हो तो अब वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकती। आपको शहर में किसी भी लम्हे किसी भी डायरेक्शन में पंजाब पुलिस का कोई भी यूनिट आपकी गाड़ी को राउंड अप कर लेगा। ये तो आपने देखा कि इन्होंने गाड़ी कैसे राउंड अप की, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है आइए आपको बताते हैं। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द पुलिस लॉ। नाज़रीन आपने एक्शन देखा जिसमें गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन जो ऑफिसर्स उस टीम का हिस्सा हैं जो गाड़ियां पकड़ते हैं मतलूब गाड़ियां वांटेड गाड़ियां ब्लैकलिस्ट गाड़ियां उनसे पूछते हैं कि क्या रात के टाइम भी ये गाड़ियां पकड़ी जाती हैं या दिन के टाइम ही पकड़ी जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नबील मुझे ये बताएं, रात का 1 या 2 बज रहे हो, एक ब्लैकलिस्ट व्हीकल मूव कर रही है, क्या उस टाइम भी अलर्ट उसका आता है और क्या उस टाइम भी आप उसे राउंड अप करवा सकते हैं? जी बिल्कुल ये मुमकिन है, रात के वक्त जब अलर्ट आता है तो हम लोग फ़ौरन उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं GIS के थ्रू, उसके अलावा फिर हम उससे नेक्स्ट लोकेशन पे जो वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय होती है हम उनको मैसेज कन्वे कर देते हैं और ये इजीली पकड़ी जाती है, आसानी से पकड़ी जाती है। बिल्कुल हमारी रूटीन बेस पे हम लोग पकड़ते हैं, हमारी डेली बेसिस की प्रैक्टिस है ये। ऑफिसर बिलाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा आपने बड़ी एक स्विफ्ट तरीके से रैपिड एक्शन करते हुए कमिट क्राइम गाड़ी पकड़ ली, आखिर ये आपने पकड़ किस तरह ली क्योंकि गाड़ी तो बड़ी स्पीडी पोजीशन में थी? जी इसका बेसिकली एक प्रोसीजर है, हमें अलर्ट्स रिसीव होते हैं ANPR कैमरा के थ्रू और जैसे ही वो अलर्ट्स आते हैं अब वो गाड़ी जो भी होती है व्हीकल ऑन द स्पॉट वो मूविंग पोजीशन में होती है, मूव कर रही होती है, तो हमें विद इन सेकेंड्स जो है वो डिसाइड करना होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन डिसाइड करके देन हमें डिसाइड करना होता है कि अब हमने इसको कैमरा में ट्रैक करना है, हम कैमरा में ट्रैक करते हैं उसको, देन जब वो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस नेक्स्ट पॉइंट पे कोई भी फोर्स फील्ड फोर्स डिप्लॉय करके उसको राउंड अप करवाने की कोशिश करें, तो अगर तो वो फर्स्ट पॉइंट पे ही राउंड अप हो जाती है वेल एंड गुड, हम उसको फिर चेक कर लेते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं और जो उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कैरी ऑन करते हैं। नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह ऑफिसर्स ने एक गाड़ी मतलूब गाड़ी को पकड़ा और उसके बाद डॉल्फिन के हवाले किया, ये सिस्टम कैसे काम करता है ये तो आपने देखा, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है इसको बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SP ऑपरेशंस IC3 SP आसिम जसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम। सर हम आपके इस सेंटर में व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर में, सर एक गाड़ी इन ऑफिसर्स ने एक गाड़ी को पकड़ लिया, इन्हें किस तरह पता लगा ये गाड़ी एक मिड क्राइम गाड़ी है और इन्होंने फ़ौरन से पहले उसे राउंड अप भी करवा लिया? देखें डेटा में जितनी भी गाड़ियां हैं जो हमें मतलूब होती हैं वो ब्लैक लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्टिंग का अपना प्रोसीजर है, वो सिस्टम पे ऐड होती हैं कि ये गाड़ियां जैसे ही हमारे ANPR कैमराज नज़र आएँ तो सिस्टम उसका अलर्ट जनरेट करता है और ये जो ऑफिसर बैठे हुए हैं ये उनको देख के तो वहाँ पर डिस्पैच करते हैं डॉल्फिन या पीरू,
और ये सिस्टम के अंदर बकायदा फीड होती है ऑटोमेटेड वे से। ब्लैक लिस्ट व्हीकल्स में कौन कौन सी व्हीकल्स आती हैं? तीन चार किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो यह है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट फेक होती है, क्लोन नंबर प्लेट है। लेट्स से एक गाड़ी जो कि शो हो रही है कि ये एक्चुअली है तो महरान, लेकिन उसे नंबर प्लेट लगाई हुई है जो एक्साइज में होंडा सिटी की आ रही है, तो वो गाड़ी। फिर एक गाड़ी जो स्टॉल व्हीकल है, किसी की गाड़ी चोरी हुई है या उसे छीनी गई है, तो वो अपनी FIR जब कराता है तो AVLS जो लाहौर में गाड़ियों को ट्रैक करता है और चोरी शुदा गाड़ियों को रिकवर करने की एफ़र्ट्स करते हैं, तो वो ऑफिसर्स भी हमें इतला देते हैं। उसके अलावा फिर वो गाड़ियाँ जो ऑफेंसेस में इस्तेमाल होती हैं, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है क्राइम करने में, तो वो गाड़ियाँ भी ब्लैक लिस्ट होती हैं। सर, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का दौर है, और ये भी ये नहीं हो सकता कि अगर कोई क्राइम किया किसी ने तो वो उसी सूबे में रहे। क्या आपके पास जो ब्लैक लिस्ट की रिक्वेस्ट आती हैं दूसरे सूबों से भी आती हैं? दूसरे सूबों से आती हैं ऑफिसर्स कहते थे, लेकिन मोस्टली वो वहाँ से आती हैं रिक्वेस्ट जब उनको ये यकीन हो कि यहाँ ये गाड़ी जो है लाहौर में चल रही है। अदरवाइज कोई एजेंसी, लेट्स से सिंध पुलिस है या बलूचिस्तान पुलिस है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर, अगर किसी शहरी की गाड़ी चोरी हो गई है, क्या वो खुद आके यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा? देखिए, ऑब्वियसली ये सिस्टम तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ही है कि जब उसकी गाड़ी चोरी होती है तो उसको पहला प्रोसेस तो है कि वो FIR करवाए, जो कि लीगल प्रोसेस है। FIR के बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, क्योंकि हमें डेली AVLS जो है वो रिक्वेस्ट भेजती है कि इन गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि सारी FIR AVLS को चली जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई इनमें कवर नहीं होता तो कोई बंदा भी इसमें हमें अप्लाई कर सकता है, उसमें फिर हम उनको जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, उसमें हम उसकी रहनुमाई कर देते हैं। आप उसको रहनुमाई करते हैं कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू आए या किसी भी और? बिल्कुल, जो प्रोसेस है उसके बारे में हम उनको रहनुमाई फराम कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें ऑलरेडी, जब एक चीज़ चोरी होती है, कमिट क्राइम होती है, प्रोसेस में आ जाती है। पंजाब पुलिस के अदारा पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर साल के 365 दिन और 24 घंटे कमिट क्राइम और वांटेड व्हीकल्स को पकड़ने में मसरूफ अमल है। गाड़ी कमिट क्राइम हो, वांटेड हो या चोरी शुदा हो, पंजाब पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकेगी। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। मुझे उमर बख्त को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।